फर्स्ट शिपमेंट इसका नाम दे दिया, और फर्स्ट शिपमेंट हमने नाम दे दिया इनबाउंड शिपमेंट में। अब नेक्स्ट ये है कि हमारा सारा क्या क्या प्रोसीजर हो गया है। हमारा सेलर सेंट्रल जो है वो शिप प्रेप सेंटर के साथ, सिंपल प्रेप सेंटर के साथ इंटीग्रेट हो गया है। अब हमने पहले इनबाउंड शिपमेंट का मतलब मैंने पहले ही बताया कि आपकी प्रेप सेंटर से, सॉरी सप्लायर से प्रेप सेंटर में जाएगी। तो अब शिपमेंट का नेम दे दिया, कोई सा भी अपनी याद दहानी के लिए, लाइक आपको इजीली याद रह जाए तो वो दे दें। मैंने अपनी प्रोडक्ट का एसन दे दिया और आगे फर्स्ट शिपमेंट कर दी। अब ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। ऐड आइटम में बेसिकली ना ये आपको लेके जाएगा अपनी सेलर सेंट्रल की इन्वेंट्री में, और वहाँ से जो जो आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई ना उसको वो लाइक सेलेक्ट करेगा। तो आप इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेगा जिसका हमने ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पे आके ना अब हमने क्वांटिटी देनी है कि जितनी क्वांटिटी इसके पास पहुँचेगी ना इस प्रोडक्ट की, तो वो लाइक हमने 20 का ऑर्डर प्लेस किया हुआ था तो हम 20 दे देते क्वांटिटी और ऐड आइटम कर देते हैं। अच्छा, अब ये 20 एक्सपेक्टेड के साथ ऐड हो गई आइटम हमारी ये। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जो आपको ट्रैकिंग लाइक अवेलेबल है, आपको सप्लायर से ट्रैकिंग मिली है, उसको आप कॉपी कर लें उस ट्रैकिंग को, और लाइक अपने पास आप यहाँ पे आपने यहाँ तक क्रिएट कर दी। नेक्स्ट, अब शिपमेंट वालों को लाइक सिंपल प्रेप को कैसे पता चलेगा कि आपकी आइटम कहाँ पे है और कब रिसीव होगी, क्योंकि सारा प्रोसीजर तो आपका इस वेबसाइट से, इस सॉफ्टवेयर से हो रहा है। तो डेफिनेटली बात है ये सबसे अहम है कि हम हर प्रोडक्ट की ट्रैकिंग डालें ताकि वो ट्रेस कर सकेंगे, अच्छा ये प्रोडक्ट थी, ये ट्रैकिंग, अच्छा ये आज पहुंच गई, इसकी शिपमेंट स्टार्ट कर दें। ऐड ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कैरियर कौन सा है। तो हमारे पास ये इस वक्त जिसकी आई थी वो UPS है। UPS की करके मैं ऐड ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ट्रैकिंग का नंबर दे देता हूँ। ये ट्रैकिंग नंबर मैंने दे दी और यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे सेव करेंगे हमारा काम फिनिश हो जाएगा। हाँ देखें, हमने यहाँ ये हमारी शिपमेंट है, हमने प्रोडक्ट भी ऐड कर दी और उसको एक्सपेक्टेड 20 यूनिट भी ऐड कर दिए और एस्टिमेट डिलीवरी डेट भी उसको दे दी। ठीक है, और ये शिपमेंट हमारी टोटल कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड 20 यूनिट्स हैं और जब रिसीव होंगे तो वो डेफिनेटली इधर आ जाएगा हमारे पास सारा प्रोसीजर में कि कितने रिसीव हुए हैं, ये शिपमेंट का नेम, ये डेट ऑफ क्रिएशन, ये यूनिट्स कितने हैं और ये यूनिट्स कितने हैं, और यहाँ पे जितने रिसीव होंगे इधर आ। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली बात है फिर वो खुद ही सारा ये आपका एक शिपमेंट है 20 एक्सपेक्टेड यूनिट रिसीव्ड अभी नहीं हुए जब हमारे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर कम्प्लीट हुआ काम, सेलर सेंट्रल इंटीग्रेट भी हो गया, शिपमेंट भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो भी काम है वो प्रेप सेंटर की जिम्मत आ रही है। अब आपका यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब शिपमेंट भी उन्होंने खुद क्रिएट करनी है, शिपमेंट आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक FNSQ लेबल जनरेट करने हैं और जो बॉक्स लेबल जनरेट करने हैं और शिपमेंट जो अमेज़ोन को भेजनी है, ये सारा ये करेंगे सिंपल प्रेप वाले। आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपने ऑर्डर प्लेस करना है, उस ऑर्डर को इधर ऐड करना है, इन्वेंट्री में ऐड करने के बाद प्रोडक्ट पे ऐड करना है और इसकी ट्रैकिंग दे देनी जस्ट, बाकी प्रोडक्ट को लाइव करने तक इनका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको ना यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जस्ट सिंगल एक ऐड हुई है ना अभी, तो जब ये प्रोडक्ट खुद ब खुद लाइव होगी ना, ये प्रोडक्ट जब लाइव होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में आ जाएगा। लाइक यहाँ पे 10 है तो इसकी 20 आ जाएगी इन्वेंट्री और यहाँ पे ये लाइव हो जाएगी। तो ये आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लाइव करना आप सिंपल प्रेप का काम है, इसका काम है शिपमेंट सारा कुछ क्रिएट करना, इनका काम है। तो सेलर सेंट्रल इंटीग्रेट करने का पर्पज़ भी यही होता है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं। थैंक यू सो मच, कंप्लीट हुई है वीडियो। अल्लाह हाफिज़।